नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज़ में। और मैं पूनम आज लहसुनी राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो ये रेसिपी कैसे बनी है और कैसे हम खाते हैं, किस किस कॉम्बिनेशन के साथ, आइए देखते हैं पूरी वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चावल धोकर अच्छी तरह से और इसे हम प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हमें गर्म चावल का ही उपयोग करना है। तो इधर चावल पकेगा, उसके बाद उधर लहसुनी राइस में जो जो सामान पड़ेगा वो हम सारा तैयार करेंगे काट करके। तो चावल को 2 से 3 पानी तक हम अच्छी तरह से वाश करके रख लेंगे। चावल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर लेंगे और उसी में सबसे पहले हम डाल देंगे पानी। तो हमारा 1 गिलास चावल है तो हम इसके जस्ट डबल पानी का यूज करेंगे। ये हमारा हाफ स्टीम राइस है तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा पड़ता है और 2 विसिल में ये आसानी से पक जाता है फ्रेंड्स। तो चावल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे घी। घी हम डाल देंगे 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच से और नमक हम 1 चम्मच डाल देंगे, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिएगा इसमें। और इसको हम गैस पर प्रेस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ चावल पक रहा है 2 विसिल तक, तब तक हम लहसुन को इधर साफ़ कर लिए हैं। लहसुनी राइस है तो इसमें लहसुन थोड़ा बहुत आयत हम डालेंगे। 1 पोट जो बड़ा 1 पीस होता है उसको छिलकर हम काट लेंगे। 4-5 हरी मिर्च और हरा प्याज ले लेंगे। आपके पास अगर करी पत्ता है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इधर चावल पक चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर रिलीज होने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हम इधर प्याज को बारीक, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सके आप उतना बारीक इसको काट लें। अगर हरा प्याज नहीं है तो आप सिंपल प्याज का भी यूज कर सकते हैं या फिर केवल लहसुनी फ्लेवर में ही इसे बना सकते हैं। तो प्याज काटने के बाद हम इसमें 4-5 हरी मिर्च को में भी चीरा लगा लेंगे। आपको जो शेप मन हो वो शेप आप काट सकते हैं मिर्च को। सारी चीज़ों को हम बारी बारी से काट लेंगे। इधर मिर्च भी कट गया है, अब हम क्या करेंगे, लहसुन को ग्रेट कर लेंगे। आपकी इच्छा, आप ग्रेट करना चाहें ग्रेट करें या फिर उसे काट भी सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। तो यहाँ हम कुछ लहसुन को ग्रेट कर दे रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए, और कुछ लहसुन को हम यहाँ काट देंगे बिल्कुल बारीक, लंबा या गोला शेप जो आपकी इच्छा हो। तो एक एक करके हम देखिए काट दे रहे हैं लहसुन को। कुछ हाथ से भी हम इसको घिस देंगे। घिसा हुआ थोड़ा है कि चावल में घुल जाता है, और कटा हुआ जो है दोनों का अलग अलग मज़ा है। कटा हुआ थोड़ा दांत के नीचे भी आता है खाने में तो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ कैसे हम काट दे रहे हैं इसको। तो ऐसे ही करके हम सारे लहसुन को काट लेंगे और एक बोल में डाल देंगे, छोटे बोल में डालने में आसानी होगी। अब इधर हम 1 बंच ले लेंगे हरी धनिया पत्ती, बिल्कुल ताज़ी धनिया है ये, और इसका डंठल भी हम चावल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ सारी चीज़ों को हम काट कर रख लिए हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे कि कढ़ाई या पैन जो हो आपके पास आप उसको गरम कर ले। तो यहाँ हम कढ़ाई का उपयोग कर रहे हैं फ्रेंड्स और इसे इंडक्शन पर ही हम बना रहे हैं। तो यहाँ कढ़ाई हमारा जो है गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 छोटे वाले चम्मच से घी। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बटर हो डालें, सिंपल प्लेन बटर हो या लहसुनी, ये हमारा गार्लिक बटर है तो हम गार्लिक बटर का ही यूज कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड और जीरा हम डालकर क्रैकल कर लेंगे, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे लहसुन इसमें जो क्रश करके रखे हुए थे, इसे भी हमें जल्दी जल्दी सॉटे कर लेना है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। अब हम डालेंगे प्याज, और प्याज को भी 30 सेकंड तक के हमें मिलाकर भून लेना है।
उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमें ग्रीन देखना चाहिए लहसुनी राइस में, इसलिए हम इसको लास्ट में डाले हैं। शुरुआत में डालने पर यह फिर ब्राउन हो जाता, तो सारी चीज़ें हमें ग्रीन ग्रीन ही दिखनी है। इसके बाद हम इसमें डालें डंठल, धनिया पत्ती का डंठल जो था वो डालें काट कर, और सबको 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच ही हमें ये प्रोसेस कर लेना है। और उसके बाद हम डालेंगे, देखिए चावल का प्रेशर निकल चुका है, और यही चावल हम डालकर इसमें गर्मा गर्म चावल फ्राई कर लेंगे। ठंडा चावल का उपयोग नहीं करना है इस रेसिपी में, हमें गर्म चावल का ही उपयोग करना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें धीरे धीरे इसे लहसुन का फ्लेवर आने तक चावल में और इसे भून लेना है। लगातार मिला कर हमें इसे भूनते रहना है। लास्ट में भी थोड़ी सी हम प्याज की पत्तियों को डालेंगे ताकि ये ग्रीन ग्रीन दिखे चावल में ऊपर से। तो चावल करीब मेरा जो है ये फ्राई हो चला है। अब थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, हमको नमक थोड़ा कम लग रहा था तो हम हाफ चम्मच इसमें हम नमक और मिला दिए हैं। जो लोग कम खाते हैं उनके लिए वो काफ़ी था जो हम चावल पकाते समय डाले थे। अब यहाँ चावल जो है फ्राई हो चला है। अब हम ले लेंगे ताज़ी दही रायता बनाने के लिए। रायता के साथ लहसुनी राइस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें हम डाल देंगे भुना पिसा जीरा, रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक साल्ट, काला नमक और प्लेन साल्ट हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे विस्कर की सहायता से मिला लेंगे ताकि दही बिल्कुल चिकना इसका पेस्ट हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे बूंदी। आप चाहें तो रायता, खीरा, प्याज, टमाटर किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, सभी रायता के साथ ये अच्छा लगता है। और इसी में हम डाल देंगे अनार का कुछ दाना जो देखने और खाने दोनों में लजीज लगता है। फ्रेंड्स, आलू अगर आपके पास बॉयल आलू है तो उसको भी डाल दें, ग्रीन चिल्ली है ये। और सबको मिलाकर धनिया पत्ती डालकर सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये रायता, ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे लहसुनी राइस के साथ। तो अब हमारा रायता भी यहाँ तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे प्लेटिंग आप सबके लिए। तो एक ले लेंगे प्लेट, उसी में हम डालेंगे चावल जो हम फ्राई करके रखे थे लहसुनी राइस, उसको अच्छी तरह से हम प्लेटिंग कर देंगे। और इसी एक ही प्लेट में हम रायता, चटनी, सारे चीज़ों को डालकर सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन ऑन रखेंगे ताकि जो भी रेसिपी मैं अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। और देखिए लजीज रायता भी तैयार है सर्व करने के लिए। तो कैसी लगी रेसिपी चटनी के साथ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे हम अलग और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट तो बनता है।